फर्स्ट सेम से और हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती थी उसमें बफरिंग होती थी, या तो टीचर्स को काम होता था या टीचर्स बेगर्जी सान पढ़ाते थे, पता नहीं क्या होता था, नेटवर्क इशू होता था, उन लोगों को सिलेबस, उन लोगों ने सिलेबस कंप्लीट भी नहीं किया है। हम सीयू वाले हमें बोल रहे हैं कि सिलेबस 20 दिन पहले कंप्लीट हुआ है, लेकिन सिलेबस ऑर्गेनिक अभी कुछ नहीं हमारा इशू है। एक ऑर्गेनिक का एक चैप्टर हमारा कंप्लीट है, उसके बाद हमारा एग्जाम होने वाला है ऑफलाइन। दैट डजंट मीन कि हम पूरा प्रिपेयर है। इन लोगों ने पूछा भी नहीं स्टूडेंट से कि एग्जाम पूरा आप प्रिपेयर हो, आप प्रिपेयर हो, सिलेबस कंप्लीट है, टीचर्स ने कैसे पढ़ाया। वो लोग बोल रहे हैं कि अगर आपका एग्जाम ऑनलाइन हुआ कि आप बोल रहे हैं कि हम चीटिंग करेंगे। चीटिंग से ये मतलब नहीं है कि हम मतलब नकल करेंगे, ये ऑफलाइन ही ले जाए, लेकिन उतना जितना टीचर्स ने हमें कंप्लीट किया है उतना ऑफलाइन ले लें। हमने खाली एटलीस्ट 70% में से 20% या 30% पढ़ा होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने किसी ने कंप्लीट नहीं किया है, ये आप सबसे पूछ सकते हो, बीएससी स्टूडेंट से सबसे पूछ सकते हो। किसी में गए उन लोग ने बोला, हमने बोला परसों कल बोला कि हम 50% ही रख लेंगे, 50% एग्जाम दे दो और 20th से एग्जाम दे दो। हमने सोचा ठीक है हम प्रिपेयर कर लेंगे। उनके पास हमें क्या प्रूफ है? हमें प्रूफ है कि हम गए थे उनसे बोलने कि सिलेबस थोड़ा कम कीजिए, हमारा पूरा नहीं हुआ है सिलेबस कंप्लीट, बट उन्होंने वहां पे बोला ठीक है कर देंगे, लेकिन आज वो बोले नहीं पूरा 100%। हम पे असर पड़ रहा है कि बीएससी स्टूडेंट्स पे असर पड़ रहा है, आर्ट स्टूडेंट्स पे भी असर पड़ रहा है और बीएससी स्टूडेंट्स पे असर पड़ रहा है। वहां पे वो बोल रहे जो आपको अच्छा लगे वो करे, दैट मीन्स कि हमें ये स्ट्रिक्ट एक्शन उठाना है, हमें अब क्रिमिनल्स बनने हैं स्टूडेंट्स। अब अगर क्रिमिनल्स बनेंगे फिर हमारे खिलाफ एक्शन होंगे ना, हम थोड़ी ना स्ट्रिक्ट एक्शन उठा सकते हैं। आई थिंक अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं की, बीएससी स्टूडेंट्स केमिकल सारे बैकलॉग आएंगे और कश्मीर का पूरा फ्यूचर पता नहीं क्या खराब होने वाला है, और हम प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट जारी रखेंगे।